Good evening all. So I'll introduce myself once again for all those who don't know me. So I am Payal, self-love coach. Self-love means I help you to focus, to get your focus on yourself and heal your emotions, ignite some of the very powerful emotions which are there within you to get the life of your dreams. Along with it, I'm also an NLP coach, mind coach. So I work with your subconscious mind and help you to re-imprint that so that again you can overcome all the challenges in your life and attract the life you want. I'm the founder of Shakti. You can know more about me, the programs I offer on www.shaktipayalgoda.com. So this is a journey from Payal to Shakti. That is why I say Shakti Payal Goda. All right. So today the topic is, you are what you focus on. I think it is very obvious from the topic. we all understand that. But when it comes to living that, becomes difficult. So first of all, we will understand what do we mean by focus. Focus ka matlab kya hota hai? Main hamesha bolti hoon ki hume self love karna hai. Aur self love ka matlab hota hai, apni sari urja, apni energy, आपका जो भी ध्यान है वो पूरा आपके तरफ लेके जाना है आपको, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है. तो सेल्फ से ही सब शुरुआत होती है और सेल्फ से ही सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम भी सारा सेल्फ में ही है. इसलिए आई ऑलवेज से सेल्फ लव. सो व्हेन आई से लव, आई आस्क यू टू ब्रिंग योर एंटायर फोकस, योर अटेंशन, योर एनर्जी टू योर सेल्फ. क्योंकि अगर आप सेल्फ पे देखोगे, सेल्फ को लव करोगे, तो ही आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में क्या इश्यूज है, आप कहाँ पे अटक रहे हो और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ द टॉपिक सेज यू आर, या हेलो, यू आर व्हाट यू फोकस ऑन. फोकस क्या होता है, जैसे मैंने अभी समझाया, एनर्जी, आपका पूरा ध्यान, जो हम फोकस को हिंदी में ध्यान बोलते हैं. तो मतलब ध्यान किससे बनेगा, आपके थॉट से, आपके इमोशन से. और ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो स्टोरेज है ये आ रहा है आपके बिलीव्स से. और ये जो बिलीव्स है वो आ रही है आपके अनुभवों से, यानी एक्सपीरियंसेस से. और दूसरा आ रहा है जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. हम रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर देखते हैं और हमारी आदत होती है, हम उसमें सब सादा पहले नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है ऐसा करने से वी विल नो एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड वी विल बिकम वाइज. सो आज हम ये देखेंगे कि हम जब कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन अननोइंगली जो स्टोरेज बन जाती है, वो हमारी डेस्टिनी कैसे बनाती है. ऑलराइट, सो व्हाट वी आर व्हाट वी थिंक, वी आर व्हाट वी स्पीक, वी आर व्हाट वी सी एंड लिसन, वी आर व्हाट वी फील. हम रोज़ जो फील करते हैं वो ही हम बन जाते हैं, है ना. हम खुशी महसूस करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी हैप्पी हो जाती है, पर हम डिप्रेशन महसूस करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी डिप्रेशन या डिप्रेस्ड हो जाती है. हमें मालूम है ये. और ये जो फीलिंग कहाँ से आ रही है, हमारे कुछ थॉट्स और इमोशंस जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं. जैसे लैपटॉप भी चला रहे हो या मोबाइल भी है, तो पीछे बहुत कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि मालूम नहीं है हमें. कॉन्शियसली हम वही देख रहे हैं जिस पे हमारा ध्यान है. हमारा ध्यान हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जाता ही नहीं है, बिकॉज वी आर सो मच इन द सुपरफिशियल थिंग्स अराउंड अस. तो वो जो बैकग्राउंड में हमारे थॉट्स एंड इमोशंस चलते हैं, वो हमारी फीलिंग्स बन जाती है. तो हम जैसा फील करेंगे वैसे हम डेस्टिनी अट्रैक्ट करेंगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपकी सोच से भी ज़्यादा आपकी फीलिंग्स काम करती है. मतलब आप अगर कॉन्शियसली पॉजिटिव सोच भी रहे हैं, किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया और आपको मालूम है मुझे पॉजिटिव सोचना है, लेकिन अगर आप उसे फील नहीं कर रहे हैं तो आप डिज़ायर डेस्टिनी नहीं पा रहे हैं, आप डिज़ास्ट्रस डेस्टिनी के लिए लैंड कर रहे हैं. और आपकी डेस्टिनी जो है वो बन रही है जो आप नहीं चाहते, लेकिन आप उसे फोकस कर रहे हैं. इससे फोकस क्या है, जो मैं रोज़ देख रही हूँ, सुन रही हूँ,
महसूस कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ। मतलब मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ बीमारियों के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे शरीर में क्या क्या बीमारियाँ आज मौजूद है, मैं सिर्फ उसी की कंप्लेंट्स कर रही हूँ, उसी के बारे में सोच रही हूँ, और आजू बाजू जितने भी बीमार लोग हैं उसी पे सर्च करके मैं उसी के बारे में बातें कर रही हूँ, तो वेलनेस मुझे नहीं आएगा क्योंकि मेरा फोकस डिसीज़ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी को भी पूछूँ तो कोई नहीं बोलेगा कि मुझे डिसीज़ चाहिए, हम सब बोलेंगे हमें वेलनेस चाहिए। मतलब हमें चाहिए कुछ, बट हमारा फोकस कहीं और जा रहा है। और ये और अगर इस फोकस को चेंज करना है, हमें समझना है हमारा फोकस क्या है, तो हमें सेल्फ को लव करना होगा। मतलब पूरी एनर्जी सेल्फ पे लानी होगी, और हमें कॉन्शियसली ये एफर्ट भी डालना होगा कि हम ये समझे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं। बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे वर्ड्स में बहुत वाइब्रेशन है। मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स आए हैं, कोचेज आए, जिन्होंने एक स्पेशल टॉक रखा है शब्दों के ऊपर। मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स होंगे यहाँ पे भी, जो रेगुलर में आते होंगे, उनको मालूम होगा कि कितना इम्पैक्ट होता है हमारे वर्ड्स का हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे। और यही तो बॉडी माइंड जो है हम, यही तो हमारी डेस्टिनी बना रहा है। हम ऐसे सोचते हैं कि ऊपर कोई यूनिवर्स के एक पार्ट में कुछ प्लैनेट्स है जो हमारी डेस्टिनी लिख रहे हैं। हमें ऐसे लगता है कि हाथों के कुछ लकीरें हैं जो हमारी डेस्टिनी लिख रही है। हमें ऐसा लगता है कि जो आजू बाजू हमारे लोग हैं वो हमारी डेस्टिनी लिख रहे हैं। पर इनफैक्ट ऐसा है कि डेस्टिनी हम खुद ही बना रहे हैं। अंदर जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो ही डेस्टिनी बना रहा है। और वो फोकस लाना है, तब हम समझ में आएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। और कई बार हमारा ध्यान इस पे चलता ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं हमें पैसे वाला बनना है, लेकिन हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि पैसे वाले ऐसे होते हैं, पैसे वाले वैसे होते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पॉवर्टी सब जगह है, इंडिया एक पुअर कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी सारा करप्शन है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर सपोर्टिंग नहीं है, यहाँ के लोग ये है वो है, ये हम सोचते भी है, हम ऐसे न्यूज़ पढ़ते भी है, हम बोलते भी है, और हम यही चीज़ें सुनते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमें वेल्थ चाहिए, पर हमें वेल्थ मिल नहीं रही है। बट हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा फोकस वेल्थ पे नहीं है, स्कैसिटी पे है, कंप्लेंस पे है, तो हमें वेल्थ नहीं मिलेगा। तो आपका जो फोकस है वही आप क्रिएट करते हो। तो इट इज़ वेरी इजी, अगर आपको वेलनेस क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, आपको जो भी लाइफ में चाहिए, आपको आप जो भी पाना चाहते हो उसे आपको क्रिएट करना है, तो आपको अपना फोकस वहाँ लेके जाना है। और फोकस कैसे लाएंगे आप अपना? आप वही सोचेंगे जो आप सच में चाहते हो। और वो सोचने के लिए मैंने जैसे बोला, आपके थॉट्स आते हैं आपकी मान्यताओं से, यानी आपकी बिलीफ से। और जो आपकी बिलीफ है कहाँ से आ रही है? आपके एक्सपीरियंसेस से और आपकी इंफॉर्मेशन से। अगर आप एक्सपीरियंसेस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आपकी इंफॉर्मेशन पे तो आप काम कर ही सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जिनका दृष्टिकोण, जिनका एटीट्यूड, अप्रोच लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो पॉजिटिव है, आप वो सुन सकते हैं जो पॉजिटिव है, आप वो महसूस कर सकते हैं जो अच्छा है, यानी खुशी। खुशी महसूस करना ये आपके हाथ में है। तो आप इंफॉर्मेशन के पार्ट पे तो कंट्रोल ला ही सकते हैं, बाकी एक्सपीरियंसेस को भी हम एक पेन ना समझ के एक लेसन समझें, तो हम उस वुंडेड पर्सनैलिटी से एक वाइज पर्सनैलिटी भी बन सकते हैं। हमारी एक्सपीरियंसेस हमें क्या देता है? जो नेगेटिव है वो हमें पेन देता है। हम जब भी उसके बारे में सोचते हैं हमें वो पेन देता है। और अगर हम देखें कि उसी एक्सपीरियंसेस से हमें पेन नहीं, हमें एक लेसन मिला है, तो हम देखेंगे कि हम जख्मी नहीं हुए, हम तो बहुत ही ज़्यादा वाइज हो गए हैं।
तो ये हमारी अप्रोच है कि हम जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं. सो व्हेन यू ब्रिंग यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम वुंड्स टू विजडम यू बिकम अ वाइज पर्सनैलिटी एंड इफ योर पास्ट इज फुल ऑफ विजडम योर प्रेजेंट बिकम्स पीसफुल. राइट, तो हम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस का फोकस चेंज कर सकते हैं. अगर हमने वो कर दिया तो हम अपनी थिंकिंग पे वर्क कर सकते हैं. और अगर हमारी सोच अच्छी हो गई तो अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हम अच्छा ही बोलेंगे. मतलब हमें बिहेवियर पे ज़्यादा काम करना नहीं होता है एक्चुअली. अगर हम सोच ही अच्छा रहे हैं तो हमें किसी को बोलना नहीं है कि आप अच्छा बोलो, वो इंसान अच्छा ही बोलेगा बिकॉज वो अच्छा सोच रहा है. और अगर वो कुछ अच्छा सोच रहा है तो वो महसूस भी अच्छा ही करेगा. राइट, जैसे आपको बहुत पेन हो रही है बॉडी में, आपने पेन किलर खा लिया, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछता है आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप बोल रहे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग पेन एनी मोर बिकॉज द पेन किलर हैज किल्ड माई पेन. And so I am feeling very peaceful at this moment, right? So your thinking will affect your feelings will affect your behavior. And again I'll say, where are your thoughts coming from? Your beliefs, which are coming from your experiences and from your information. So jo koi bhi aaj mujhe sun raha hai, ye talk aapko bahut help karega. आपका फोकस पहले समझने के लिए, पहले तो अपना फोकस समझिए कि आपका फोकस क्या है, आप कौन सी डेस्टिनी अट्रैक्ट कर रहे हो, और थर्ड फिर आपको देखना है कि आप अपना फोकस कैसे चेंज कर सकते हैं. पर इसे हमें स्टडी करना होगा, मुझे रोज़ बैठ के देखना होगा मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, कैसे लोगों के साथ रहता हूँ, और मैं 24 घंटे मैं कैसे फील कर रहा हूँ. फीलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. वॉट यू आर फीलिंग यू आर क्रिएटिंग. राइट, नॉर्मली अगर हम देखें तो हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं. मतलब हमारा माइंड दो ही टेंसेज में वर्क करता है, या तो पास्ट टेंस और दूसरा है फ्यूचर टेंस. मतलब या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. जैसे कि आज भी हम बैठे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम कल क्या करेंगे, लाइफ हमारी कल कहाँ जाएगी, हम उसे कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कहाँ हम जाएंगे, क्या करेंगे, और कल क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. मतलब या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एंड इसीलिए हम प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे. वी नेवर बिकम ग्रेटफुल कि आज हमारा बहुत अच्छा है. हम एक सेकेंड के लिए, एक मिनट के लिए ऐसे नहीं बोलते, पॉज एंड जस्ट लुक, यू आर अलाइव टुडे, पॉज एंड जस्ट लुक, यू आर हेल्दी एट दिस मोमेंट, यू आर हैप्पी एट दिस मोमेंट. बट ब्रिंगिंग योर अटेंशन एंड योर फोकस टू द प्रेजेंट इज वेरी वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो इसके लिए माइंड जो है वो पेन और वरी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि हमारी आदत बन गई है. अगर हमें उससे रिलीफ चाहिए तो हम अपना अप्रोच बदल दें, पास्ट जो है उसे हम वाइज बना दें और फ्यूचर को हम होपफुल बना दें, तो हम शायद अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, प्रेजेंट को पीसफुल बना सकते हैं. ऑलराइट, और जैसे ही हमारा प्रेजेंट पीसफुल बन गया, हमारा अब फोकस एनहांस होगा, और जैसे ही फोकस एनहांस होगा हमें समझ में आएगा कि हम अभी कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, और हम एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन तक कैसे पहुँच सकते हैं. सो यू आर वॉट यू फोकस ऑन. उसके लिए मैं और एक बहुत अच्छी आपको एक एग्जांपल, एक चीज़ बताऊंगी, एक लर्निंग आपको शेयर करूंगी. यह है जो आपका फूड, जब हम खाना खाते हैं तब हमारी आदत होती है या तो मूवी देखना, या आई मीन टीवी देखना, या तो मोबाइल देखना. और जो फूड है ये सिर्फ हमारी बॉडी को नहीं बल्कि हमारी माइंड को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है. ऐसे भी बोलते हैं, जैसे ये टॉपिक है वैसे भी बोला जाता है, यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हो वो आप बनते हो.
जैसा आपका अन्न वैसा आपका मन, ऐसे कहा जाता है। और ये अनुभव भी आप कर सकते हैं, आप जिस ऊर्जा से, मैं यहाँ पे वेज नॉन वेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऊर्जा की बात कर रही हूँ, आपके माहौल की बात कर रही हूँ। जब आप खाना खा रहे हो तो आपका ध्यान आपके खाने पे है, या वो टीवी सीरियल के सीन में, या मोबाइल में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बिकॉज जब आप खा रहे हैं आप कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम कैसे होता है? जो आप देख रहे हैं वो भी तो अंदर जा रहा है, यानी आपने वो कंज्यूम किया। जो आप सुन रहे हैं वो भी तो अंदर जा रहा है, वो भी आपने कंज्यूम किया। आप जो खा रहे हैं वो भी अंदर जा रहा है, तो वो भी एनर्जी बन रही है, तो वो भी कंजम्पशन है। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी अंदर एक बैकग्राउंड में डेस्टिनी बना रहा है। तो जब आप खा रहे हो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका खाना, आपका फोकस आपके खाने पे हो, ना कि उस टीवी सीरियल पे और ना कि वो मोबाइल फ़ोन पे। बट दिस इज़ वेरी वेरी यूजुअल पैटर्न्स और नॉर्मल पैटर्न्स वी सी नाउअडेज। इवन व्हेन वी गेट अ ब्रेक इन आवर ऑफिसेस, वी जस्ट रिमूव आवर मोबाइल फ़ोन, स्विच इट ऑन एंड स्टार्ट डूइंग बोथ द थिंग्स पैरेलली, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी फील दैट इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग ऑन द फेसबुक इट वुड बी अ वेरी बिग लॉस टू अस। सो आवर फोकस इज़ ऑन फेसबुक, आवर फोकस इज़ ऑन व्हाट्सएप, our focus is on others' DPs and others' statuses. What am I going to create then? If my focus is के लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है और आजू बाजू क्या हो रहा है, तो फिर मैं अपनी डेस्टिनी क्या क्रिएट करूँगी? मेरी डेस्टिनी बहुत ही मिक्सचर होगी, यानी यहाँ से कुछ लिया, वहाँ से कुछ लिया, इसकी कोई एनर्जी, उसकी एनर्जी, एंड देन इट वुड बी अ सम टोटल ऑफ everyone around me, my destiny would be something like this, and then people complain that they are confused personalities. आप तो confusion में रहोगे ही, आपकी personality भी तो confused रहेगी ही, because आप एक ही time पे इतने सारी चीज़ों की energy ले रहे हो, आप वही store कर रहे हो, background में वो आपका music चल रहा है और फिर वो destiny create कर रहा है, और क्योंकि आपका self love है नहीं, आपका focus है नहीं, तो आपको पता भी नहीं चल रहा है आपके साथ क्या हो रहा है। फिर आप बाहर जाके रीडिंग भी करवाते हो कि अब मेरे लाइफ में ये सब क्या हो रहा है और मैं किसे ब्लेम करूँ इसके लिए। इट्स गुड दैट यू डू वॉट एवर एक्सटर्नली यू वॉन्ट टू, बट साथ में आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, आप जो भी प्रोग्राम लेते हो, आप स्पिरिचुअल हो या आप NLP में बिलीव करते हो, आप कुछ भी, आप मेडिकेशन ले रहे हो, वॉट एवर पाथ यू हैव चोजन, you can continue that path. Every path's destination is same. Sabka destination ek hi hai, sabko aapko wellness deni hai, happiness index aapka badhana hai, aapke relationships acche karne hai. Choose whatever path you want to, but make sure that you have to work on yourself. Unless you work on yourself, you're not going to get the transformation. And for the transformation to come in, you have to fall in love with yourself. Why you need to fall in love with yourself? Because only when you love yourself, you know yourself. When you know yourself, you accept yourself. When you accept yourself, you are opening the doors to change. When you are opening the doors to change, you heal yourself and you create what you really want in your life. So, raat mein sone se pehle ek study kar lena ki aaj maine kya focus kiya. अगर मेरा फोकस अच्छा था, वेरी नाइस, तो मेरा फ्यूचर तो अपने आप ही बहुत अच्छा हो गया। और कहीं पे अगर मेरा फोकस वो नहीं है जो मैं एक्चुअल में चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे अपने फोकस को चेंज करना है। आई हैव टू चेंज माय फोकस। अभी तो मैंने आपको इतना क्लैरिटी भी दे दी कि आपको वो फोकस कैसे शिफ्ट करना है और कैसे अपना जो अंदर डिज़ास्टर चल रहा है, उस डिज़ास्टर को आप निकाल के आप वो पाथ पे चलो जहाँ आपकी डेस्टिनी वो बने जो आप एक्चुअल में, रियल में चाहते हो, राइट? सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट वेयर योर फोकस लाइज, व्हाट यू आर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली, व्हाट यू आर फीलिंग कॉन्स्टेंटली, व्हाट यू आर स्पीकिंग कॉन्स्टेंटली, एंड व्हेन यू आर ईटिंग, व्हाटएवर यू आर सीइंग एंड लिसनिंग इज ऑल मेकिंग अ डेस्टिनी फॉर यू। नाउ you need to check whether the destiny is disastrous destiny
or a desire for destiny. वो destiny वो है जो आप चाहते हो या destiny वो नहीं है, कुछ और है लेकिन आपका material बराबर है. हम कितने कितने wise है हम, आपको पता है आपके अंदर कितना wisdom है, but problem ये है कि हम वो wisdom जहाँ use करना है वहाँ नहीं कर पा रहे. हमारा brain, हमारे अंदर जो हमारा mind work कर रहा है, हमारे emotions work कर रहे हैं, हमारा जो endocrine system जिस तरीके से work कर रहा है, ये सब हमारे लिए अपने आप में एक चमत्कार है, एक blessing है. और अगर हम इसे बराबर use करें तो हम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं. कल ही एक बहुत बड़े physicist, cosmologist, scientist की death हुई, I'm sure आपको मालूम होगा, स्टीफन हॉकिंग. उनकी लाइफ जर्नी से हमें कितना सीखने मिलता है कि उनको इतना बड़ा चैलेंज होने के बावजूद एक डिसीज़ जो उनकी लाइफ को स्लोली स्लोली पैरालाइज कर रही थी, उसके होने के बावजूद उन्होंने लाइफ में कितना कुछ अचीव किया. उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, उन्होंने अपने फील्ड में बहुत सारे मिरेकल्स किए, अचीवमेंट्स किए, गोल्स को हासिल किया. और उन्होंने अपने ही डॉक्टर की प्रेडिक्शन को, जो जिन्होंने उन्हें बोला था कि आपकी लाइफ स्पैन ओनली 2 ईयर्स है, उन्होंने और कितने साल ज़िंदगी के जिए, ना ही जिए बल्कि उन्होंने ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जो वो हमेशा से चाहते थे. और उन्होंने कहीं तो बोला था, आई हैव रेड समवेयर, कल मैंने बहुत सारे उनके जो वीडियोज़ देखे, कि उनका जो फोकस था लाइफ में, कि उनकी लाइफ पर ही था, उनको ये था, उनको था कि मुझे इस लाइफ स्पैन में क्या क्या करना है. बहुत क्लियर थे वो, उनकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी, उनका विजन था, उनको मालूम था, उनका फोकस उनके तरफ था, उनकी फोकस उनके फील्ड पे था. एंड वही आउटकम हम देख रहे हैं आज उनकी लाइफ में, कि उनको इतना बड़ा चैलेंज होने के बावजूद उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी. जो शायद हम कम्प्लीटली हेल्दी होने के बावजूद, कम्प्लीटली सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम ना पा सके, हो सकता है. एंड ही हैड सो मेनी थिंग्स, उनके लिए बहुत ईजी था कि व्हीलचेयर में बैठ के सोचते सोचते चले जाए, लेकिन व्हीलचेयर उनका कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनके जो इरादे थे, उनका जो फोकस था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. इसलिए फोकस बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में मैटर करता है. एंड अनफॉर्चुनेटली हमको फोकस कैसे करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये नहीं सिखाया जाता. हमें तो सिर्फ बचपन से मारा जाता है, चलो आज एग्ज़ाम है, फोकस करो, पढ़ो और स्कोर लेके आओ. हमें फोकस का मतलब उतना ही समझता है, फोकस मतलब स्टडी वेल, गेट द स्कोर, दैट इज़ वॉट इज़ फोकस, रेस्ट ऑल इज़ नथिंग. बट उस जर्नी में जो हमारी सफरिंग्स हो जाती है, वो हमारे फोकस को इतना ख़राब कर देती है कि नेक्स्ट टाइम कोई बोलता है फोकस करो, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल दे रहे करने के लिए. अ फोकस हैज़ बिकम अ फेलियर. सो अभी तो फोकस करना इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज एज आई सेड, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, टर्मोइल है अंदर, इतनी सारी मिक्स्ड एनर्जीज हम ले रहे हैं 24 घंटे में, नोइंगली अननोइंगली, कि हमारी जो डेस्टिनी है वो बहुत ही शेकी बन गई. सो इट इज़ अ वेरी ईजी एक्सरसाइज एंड अ वेरी ईजी थिंग, आई बिलीव एवरी वन ऑफ अस कैन डू दिस. इसके अंदर आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप किसी भी चीज़ को बिलीव करते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है. यू जस्ट हैव टू टेक अ शीट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी डे एंड नाइट वाइल स्लीपिंग. पहले चेक करो आपका फोकस क्या है, नेक्स्ट डे यू कैन मेक अ शीट एंड यू कैन डिसाइड वॉट आई विल फोकस ऑन नाउ. सो द मोमेंट आई सी समथिंग जो बहुत ही नेगेटिव है, मैं उसे टीवी में चेंज कर दूंगा, मोबाइल में चेंज कर सकता हूँ, लोग कुछ गॉसिप कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, आई कैन इमीडिएटली मूव फ्रॉम देयर, राइट. सो इफ आई वॉन्ट वेलनेस, माई फोकस मस्ट बी ऑन वेलनेस, मतलब मेरी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान वेलनेस पे होना चाहिए. मतलब जब मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा ध्यान पूरा खाने पे होना चाहिए, मेरा ध्यान इस पे होना चाहिए कि मेरी वेलनेस हर दिन, हर पल कैसे बेटर 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 हो सकती है. ओनली दैट मच. ऑलवेज वर्क ऑन द सॉल्यूशंस, डू नॉट जस्ट कीप थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स.
You keep thinking about the problems, you attract more problems. You think about the solutions, you attract more solutions. You think and focus on wellness, you attract wellness. You think and focus on love, care, kindness, compassion, you attract loving relationships. But right now, our focus is on separation, heartbreak, divorces, ego, hatred, revenge. ये सारा हमारा focus है. And अगर हमारा focus ही ये है, तो loving relationships हमारी destiny कभी नहीं बन सकती. And if you want to be abundant, you want to be successful, you have to make sure what you think, what you see, what you speak, what you feel has to be in abundance. अगर अंदर ही आप सोच रहे हो मैं गरीब हूँ, तो फिर आपका अंदर का जो बैकग्राउंड ही पॉवर्टी लाइन में चल रहा है, तो बाहर फिर आपको अबेंडेंस अट्रैक्ट नहीं होगा. तो फिर आपको वही लोग मिलेंगे जो इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं. और फिर आप बोलोगे, देखा मैंने बोला था ना, दुनिया में यही है, दुनिया में चीटिंग ही है, दुनिया में करप्शन ही है, एवरीवेयर देयर इज कॉम्पिटिशन. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं अलग अलग फील्ड में. अगर वो डेंटिस्ट है तो भी बोलते हैं बहुत कॉम्पिटिशन है. अगर वो लॉयर्स है तो भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. अगर वो ट्रेनर है तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. तो उनके उनका फर्स्ट सेंटेंस ही होता है, सब कुछ कर लिया, इतना सारा इन्वेस्ट किया, करियर बनाया, देयर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन. पहला ही डायलॉग, पहला ही जो सेंटेंस निकलता है, मतलब उनका फोकस कॉम्पिटिशन पे है. मतलब उन्होंने 6 साल 8 साल 5 साल जो इन्वेस्टमेंट किया, स्टडी किया, पैसे डाले, एनर्जी डाली, मेहनत की, वो तो वर्ड उनके मुंह पे आता भी नहीं है. उनके वर्ड पे सबसे पहला, उनके मुंह में सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है कॉम्पिटिशन, जिसके बारे में तो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, जिसके बारे में ना उन्होंने कुछ स्टडी किया है, ना कोई थीसिस लिखी है, पर उनका पहला स्टेटमेंट होता है कॉम्पिटिशन. और फिर वो लोग सिर्फ कॉम्पिटिशन ही अट्रैक्ट करते हैं. So, if your focus is on competition, you can never get success. And success is your own defined term. Success is not what you see outside and you say that a person having this car, this brand, this house, this much of bank balance is a successful person. Success and beauty is your own defined term. आपके लिए जो success है वो मेरे लिए ना हो, मेरे लिए जो सक्सेस हो वो आपके लिए ना हो. सक्सेस की डेफिनेशन आपको आपको तय करनी है. यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज सक्सेस फॉर मी, व्हाट डू आई मीन बाय अबंडेंस. हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं सोशली कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत सारी सेवा करते हैं. उनके लिए अबंडेंस क्या है कि हम सेवा कर पाए लोगों के वेलफेयर के लिए, प्लैनेट के वेलफेयर के लिए, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, अंडर प्रिविलेज लोग के वेलफेयर के लिए कुछ कर पाए, दैट इज अबंडेंट लाइफ फॉर अस. ऑलराइट, किसी के लिए अबंडेंस और कुछ हो सकता है. किसी के लिए ये वाली ब्रांडेड कार्स होना, ये वाले ब्रांडेड मोबाइल फोन्स होना, ये एरिया में घर होना अबंडेंस हो सकता है. हम बोलते हैं ना, आपको पैसे से राजा नहीं, दिल और मन से राजा बनना है. Why it is said? ये जो आप हमें ये जैसे स्टेटमेंट्स बोले गए हैं बहुत वाइज लोगों ने, क्यों बोला है? क्योंकि उनको मालूम था कि अंदर अगर ये बैकग्राउंड चलेगा कि मैं राजा हूँ, तो मैं राजा ही बनूंगा, क्योंकि मेरा फोकस अब राजा पे ही है. तो ये जो चीज़ें बोली गई है ये ऐसे ही नहीं बोली गई है. इन्होंने उन्होंने अपने विजडम को इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट में बना दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इतना बोल दिया, इतने पे भी फोकस कर लिया, तो इसकी डेस्टिनी तो अपने आप बन जाएगी, ज़्यादा और झंझट करने की ज़रूरत नहीं है. सो मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ, अगर जब भी उनको NLP टेक्निक्स कराओ या मेडिटेशन इमोशंस की टेक्निक्स कराओ, उनके पहले जब हम कोचिंग देते हैं, हम यही उनको सब सिखाते हैं कि कैसे लाइफ में अप्रोच चेंज करना है. आई एम श्योर ये टॉक आपको काफ़ी हेल्प करेगा. एंड आप बिना टेक्निक्स किए भी अभी एट दिस मोमेंट अगर आप कहीं पे लाइफ में बहुत
फंस गए हो या आपकी लाइफ में आप वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो जो आपको चाहिए, तो दिस टॉक एंड दिस एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रीच वेयर यू रियली वॉन्ट टू गो टू. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट वॉट यू हैव बीन डिसाइडेड बाई समवन. यू आर नॉट समवन हु हैज बीन टोल्ड दैट यू आर दिस बाई समवन. यू आर नॉट समवन someone's prediction, you're not someone's thinking. जैसे हम सोचते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया तो मैं अभी ये बन गया, मेरे कुंडली में ये लिखा है तो मैं ये बन गया, मेरे planets ऐसा चाहते हैं इसलिए मैं ये बन गया. You are not that. You are what you focus on. भले आप किसी भी साइंस में बिलीव करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द साइंसेस, आई वुड ऑलवेज से यू, आप जो भी कर रहे हो आप कंटिन्यू करें, लेकिन आप वो हो जो आपका, जहाँ आपका फोकस है, नहीं वहाँ नहीं जो किसी ने आपको प्रेडिक्ट करके बोल दिया कि भाई आपका फ्यूचर ये है, आप ये बनने वाले हो, आपके साथ ये होने वाला है. और जब आप प्रेडिक्शंस भी करवाते हो और किसी ने अगर आपको ऐसा बोल दिया तो अब तो आपका फोकस भी तो वहीं पे जा रहा है. तो अगर वो प्रेडिक्शन सच नहीं भी होने वाली होगी, लेकिन आपकी जो बायोलॉजी है, आपकी जो अंदर सिस्टम बनाई है भगवान ने, या आप जिसे भी मानते हो, या जो नेचुरली आपकी जो सिस्टम है वो आपको मदद करती है वो हर चीज़ पाने के लिए, पर वो जो सिस्टम है वो बहुत ही अनबायस्ड है. वो आपको ऐसे नहीं बोलेगी ये ख़राब है ये अच्छा है, ये डिसीजन आपके ऊपर है, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो. एंड दैट इज़ वाई आई से आप शक्ति हो. शक्ति मतलब आप वो पावर हो जो आपके अंदर है पर आपको पता नहीं है. सो द मोमेंट यू अवेक द जायंट पावर विद इन यू, द मोमेंट यू अवेक द शक्ति विद इन यू, यू क्रिएट वॉट यू रियली वॉन्ट. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. यू आर क्रिएटिंग राइट नाउ ऑल्सो, बट यू आर क्रिएटिंग इन इग्नोरेंस. वेन यू टेक योर फोकस टू योर सेल्फ, वेन यू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ, you enlighten yourself and your ignorance disappear. You become a wise soul or an energy, and you then create what you really, really, really want in your life. So we all are creators. We all are equally powerful. We all have all the resources, all the things within us that can help us to achieve what we want in our life, provided we take our focus to what we really want rather than what we do not want. So remember one thing, whatever you do, wherever you are today, you are what you have focused. What you focused on your past, you are today that. And today what you focus, you will create not only your today, but your future will be a natural outcome of your creation at this moment. So you are what you focus on. You are what you focus on. Remember this and always focus on what you want. You can also write certain things on the paper. बहुत बड़ा बड़ा एक शीट बना के आप रख सकते हो, वही देख सकते हो जो आप रियल में चाहते हो. वही पिक्चर्स देखो. अगर हैप्पी हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पी पिक्चर्स ही देखो, और अगर खुशी महसूस ही करनी है तो वो सारी चीज़ें सुनो जिससे आपको खुशी महसूस हो. फिर आप कुछ भी सुनो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन मैटर करता है जो आप बोलते हो, तो आप वही बोलो. इसलिए जो रिलीजन है या स्पिरिचुअलिटी में हम देखते हैं, हमें मंत्रास की चैंटिंग कराते हैं. ये कोई छोटा बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है. वाई यू आर आस्क्ड टू चैंट मंत्रा? मंत्रा की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है, वो भी तो शब्द है. शब्द में ही तो सारा पावर है. तो आप गाली दे दो, उसके बदले राम बोल दो. Because that word has the frequency, और वो frequency इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके जो brain के patterns है उनको वो break कर सकते हैं, वो patterns जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शब्द कितना matter करते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं वो कितना कितना matter करता है हमारे life में.
इसलिए काफी बार लोगों को बोला जाता है कि अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे हो तो इसको मंत्रा चैंटिंग करवाओ, तो एटलीस्ट इसका जो स्पीच है, ये जो बार बार नेगेटिव बोलता है, इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड. सो एवरीथिंग व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस बाय ऑल द वाइज पीपल हैज अ वेरी डीपर मीनिंग इनसाइड इट. सो फ्रॉम टुडे यू टेक दैट ओथ, टेक द प्रॉमिस दैट व्हाटएवर यू थिंक, व्हाटएवर यू विल फील, व्हाटएवर यू विल सी, you will listen, you will take, you will do, all that is good for your ultimate good and not what is bad for your ultimate good. Jo aapke liye sach mein acha hai, aap sirf wahi sochenge, wahi bolenge, wahi mehsoos karenge. Aur agar aapko lagta hai ki aapki soch negative hai aur aap us pe work nahi kar sakte hai, to aapko aapki beliefs pe work karna hai. Belief aa rahi hai aapki experiences se और आपके इंफॉर्मेशन से. एक्सपीरियंसेस पेनफुल है तो उसको क्या बनाना है, लेसन्स बनाना है, वुंडेड नहीं होना है, वाइज हो जाना है. और इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको बोला, आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हो. एंड अगर आप ऐसे हो कि आपको बहुत ज़्यादा एन्जाइटी आ रही है फ्यूचर में, मतलब आप हॉरर फिल्म बना रहे हो अंदर. एन्जाइटी कभी आती है जब आप कुछ नेगेटिव अंदर फिल्म बना रहे हो, ऐसा हो गया तो, मैं जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मतलब आई एम क्रिएटिंग ट्रेजेडी, दिस इज अनरियल, राइट? मैं जो भी सोच रहा हूँ अंदर, ये सब अनरियल है. रियलिटी तो ये है, अभी मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, आप बैठे हो, ये रियलिटी है. बट माइंड तो कुछ भी सोचता है ना, उसे तो जो भी मीन्स, अगर हमने उसको कंट्रोल में नहीं रखा या उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी सोच लेगा. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग और व्हेन यू आर making horror film inside, if you are a very good director of making horror films inside, there are many of us, so you will definitely see that your future is lot of horrors, yani anxiety aa jayegi aapko bahut hi pyar se aa jayegi, aur fir kuch time ke baad itni natural ho jayegi ki aapko malum bhi nahi padega ki aap ho ya aap anxiety ho. All right. सो अगर आपको एन्जाइटी आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ वरिंग यू कैन बी होपफुल. वी हैव ऑप्शन, राइट? आइदर वी थिंक वी ऑलवेज प्रोटेक्टेड और वी कैन थिंक दैट वी कैन डाई और एनी वन कैन कम एंड हार्म अस एनी टाइम, एनी वन कैन कम एंड चीट अस एनी टाइम, एनी वन कैन कम एंड डू वट एवर दे वॉन्ट. आइदर वी कैन थिंक दैट वे और वी कैन थिंक वी आर द शक्ति, वी आर मोस्ट पावरफुल, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज इनसाइड एंड वी कैन क्रिएट वट एवर वी वॉन्ट. We are the creators and we can become hopeful. So, make your past full of wisdom, make your future full of hope, and your present automatically will become peaceful. And when you are at peace, you study where your focus lies. If it is on the right path, keep going with it. If you think that your focus is distracted, please shift your focus and create what you really want, right? So I end up my talk saying this again: you are what you focus on. Thank you so much.